हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल बिना क्रिएटिव्स आइडिया। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब घूमने लायक जगह है, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जगह, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ का नाम है थाईलैंड, जो कि समुद्र के रास्ते से ही जाने का रास्ता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी मतलब सुबह का समय था, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो आपको अगर जूम करके दिख रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। यहाँ पे जाने के लिए अपना चर्च गेट साइड से जाना पड़ता है, जो कि थाईलैंड मतलब बहुत ही एक पिछड़ा हुआ गांव टाइप का एरिया है, जहाँ पे मतलब जाना जाओ तो बहुत ही अच्छा देखने सुनने का, एक तो बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि ये तोप वगैरह। ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये एक जैसे गुफा टाइप का बोला जाता है, उस तरीके का ये रास्ता है। ये रास्ता एक यहाँ से निकल के दूसरा एक तोप का ज़रिया है, वहाँ पर जाके निकला हुआ है। तो ये मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक है, काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी अभी भी ये प्लेस के बारे में काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, जो लोग देख रहे हो ये वीडियो, तो मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, बट यहाँ पे जाने के लिए बहुत ही मतलब टिकट का खर्चा भी ठीक है, मगर वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही कॉस्टली, बट बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। तो एक तो मैंने आपको दिखा दिया, पर ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ी टाइप का ये जगह है। देखिए ये एक ये तोप है जो नीचे साइड में पड़ता है, बहुत ही ऊंचाई के ऊंचाई पे ये मतलब ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अभी एक और इससे भी ऊपर एक और दिया है, जहाँ यहाँ पे तो काफ़ी लोग स्टंट भी कर रहे थे कि मतलब जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाए जाते हैं नीचे खाई है ऊपर हमें, तो ठीक उसी तरीके का सिचुएशन यहाँ पे था, मगर वहाँ पे भी लोग स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे थे। वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने स्टंट किया कर रहे थे, और काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ, बट यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर अकेले जाना किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है। अगर कोई जा रहा है तो मतलब अपने ग्रुप में या फैमिली के साथ ही जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये देखिए यहाँ से मतलब काफ़ी ऊंची जगह पे, वहाँ पे बगल में मेरे एक पेड़ था, वहाँ से लोग स्टंट मतलब लटक रहे थे। और समुंदर के बीच में किस तरीके से पूरा टावर वगैरह दिया गया है, वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। और ये एक छोटा सा गाँव है जो कि मतलब समुंदर के पास में लोगों ने शॉप वगैरह खोल के रखा है, बट उनका गाँव ये पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस था। तो मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, जहाँ मैं आपको एक दूसरा तोप दिखा रही हूँ। तो उसके बीच में अभी काफ़ी सारे मतलब वो काफ़ी ऊपर है, तो जहाँ तक मुझे जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर उसके बीच में जो जो नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मंकीस वगैरह बहुत है, कि वहाँ पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे मंकी से सबसे ज़्यादा सेफली वहाँ पे मंकी से करना होता है, क्योंकि वो मारना, पीछा करना, हाथों में कुछ चीज़ खा रहे हो तो वो चीज़ें छीन लेना, वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। इसके लिए मंकी वगैरह से दूर रहिए, कोई भी उनको छेड़ाछाड़ी या फिर उनको कोई खाने पीने की चीज़ मत दीजिएगा। रिटर्न आते समय ठीक है, बट जाते समय आप उनको कोई चीज़ देंगे तो आपको पूरा रास्ता आपको फॉलो करेंगे और परेशान करेंगे। तो उस समय मेरे मोबाइल का बैटरी भी डेड होने वाला था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैं ऊपर तक मैं आ भी चुकी हूँ, जो कि यहाँ पे सामने दूसरा तोप दिया हुआ है। तो ये जो ब्रिटिश मतलब बहुत पुराना जगह है, और बहुत ही पुरानी चीज़ें है ये, देखा जाए तो मतलब ये अभी भी कई सारी, जब हम वहाँ पे गए थे तो कई सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन लिए थे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं, भले ही इसका आज नाम नहीं है, कुछ नहीं है, लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे ऐसी है जो आप जाओगे तो देखोगे कि जो मूवीज़ वगैरह में दिखाए जाते थे वो सारी चीज़ें फेक नहीं, रियल में वो सारी चीज़ें अभी भी रखी गई है। जो भी पहले के समय में जो भी चीज़ें देखी है, कितना बड़ा तोप है, और वो जो हमने पहला तोप दिखाया था, जो रास्ता दिखाया था, वहाँ से लेके यहाँ तक आने का एक बहुत ही अंदर से रास्ता है। कभी कोई ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अंदर से कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा रास्ता है और गुफा टाइप का है, बाहर से कोई उजाला वगैरह नहीं है, वहाँ से जाके यहाँ पे वो रास्ता निकला है। तो
तो यहाँ पे लोग स्टंट वगैरह करना, घूमना फिरना, काफ़ी लोग अभी जा रहे थे अभी भी, मतलब लोगों को धीरे धीरे इंफॉर्मेशन हो रही है। देखिए कितना, मतलब किस तरीके का लोखंड का पूरा बनाया गया है, तो आपको पूरा मतलब वहाँ पे जाके आप घूमोगे फिरोगे तो मैं बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। और इसका जो आगे का वीडियो है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये छोटा सा क्लिप है जो कि मैंने वहाँ पे बहुत मुश्किल से वो जगह पे मैंने इसको खींचा था, बनाया था ये वीडियो को। तो वहाँ पे मैं वीडियो में कुछ बोल भी रही थी बट आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि आजू बाजू का साउंड बहुत था और मेरा वॉइस बहुत कम था वहाँ पे, इसके वजह से मुझे यहाँ पे बोलना एक्स्ट्रा अलग से बोलना पड़ रहा है। तो मैं वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रही थी, यही था कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो भी है सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं। आप लोग वहाँ पे टाइम निकालिए, किसी दिन छुट्टी रहेगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, आप लोग भी जाइए उसको विज़िट कीजिए, देखिए कैसा है, बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगह है। बट आप लोग खाने पीने के लिए चीज़ें जो है हो सके तो लेके जाइए, वहाँ पे जाने के बाद सारी चीज़ें कॉस्टली है। और अगर आप कुछ ले भी रहे तो वहाँ पे मोल भाव मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी वो लोग यहीं से लेके जाते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहीं से वो लोग लेके जाते हैं बेचते हैं। इसके लिए आप लोग यहीं से ख़रीद के लेके जाइए या तो वहाँ पे आप लोग किसी भी तरीके का मोल भाव या झिझक मत कीजिएगा। ये है एकदम, मतलब एकदम मैं टॉप पे पहुँच गई हूँ, पहाड़ के जो भी लास्ट कॉर्नर था वहाँ से खड़ी होकर मैं ये वीडियो एकदम एंडिंग तक का मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ से मतलब चोटी तक पहुँचने का वो रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।